जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी रमेश कोल फिल्मी स्टाइल में जेल से फरार हो गया। रमेश कोल सेंट्रल जेल के पश्चिमी खंड में बंद था और उसकी भागने की योजना लंबे समय से बन रही थी। जेल प्रशासन के अनुसार कैदियों की रोजाना की गिनती के दौरान रमेश कोल गायब पाया गया, जिससे जेल में हड़कंप मच गया। कैदी के गायब होने की खबर मिलते ही जेल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। जेल के सभी खंडों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कैदी का कोई सुराग नहीं मिला। तलाशी के दौरान जेल प्रशासन ने संदेह जताया कि कैदी संभवतः जेल के तालाब परिसर में छिपा हो सकता है। इसके बाद तालाब परिसर की कड़ी तलाशी ली गई, जिसमें ये पाया गया कि कैदी रमेश कोल करीब 12 घंटे तक तालाब के पास छिपा रहा। वहीं जेल प्रशासन ने भी जेल के चारों तरफ जेल प्रहरियों को तैनात कर दिया। जेल प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद सुबह के समय कैदी रमेश कोल को पकड़ने में सफलता हासिल की। प्रतिदिन जो लॉकअप होता है उस अनुसार शाम को बंदियों के लॉकअप की प्रक्रिया चल रही थी। एक बंदी आजीवन कारावास का रमेश पिता दद्दी जाति कोल, ये लगभग उम्र 40 वर्ष थी, 376 के मामले में था। ये छूटने की संभावना नहीं थी इसकी, वो 2013 से था। तो ये अब पश्चिमी खंड में रहता था, वहाँ से नई जेल तरफ चला गया बगीचे में, जो बगीचे का एरिया 7-8 एकड़ का लगभग, बारिश भी हो रही थी। तो इसने बाहर भागने का प्रयास किया, चूँकि हमें पता लग गया था गिनती में एक बंदी कम है, तो पूरा प्रैक्टिस अलार्म करके पूरा गार्ड को बुलवाया गया, बारी बारी से ड्यूटी लगाई गई। चूँकि रात का समय था, बारिश हो रही थी, झाड़ियों वाला स्थान था, पूरे आउटर वाल में पेट्रोलिंग कर जेल अधीक्षक महोदय के निर्देशन में समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई और रात भर शिफ्ट में ड्यूटी चली। फिर सुबह जैसे ही हुआ, बंदी झाड़ियों में छिप गया था। सुबह बंदी को पता लगा दिन हो रहा है तो मैं पकड़ा जाऊँगा, तो वो तालाब था डैम अंदर, उसमें डूब गया था। तो सुबह उजाला होते ही उसको लगभग 8 बजे उसको पकड़ लिया गया। जेल का ही परिसर है वो, आउटर वाल के अंदर से भागने का प्रयास किया, उसमें असफल रहा बंदी। ये घटना जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है और इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने ड्यूटी में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। जेल प्रशासन ने तुरंत 2 जेल प्रहरियों विजय गुप्ता और सुरेंद्र तुरकर को ड्यूटी में लापरवाही करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। ये दोनों प्रहरी उस वक्त ड्यूटी पर थे जब कैदी रमेश कोल भागने में सफल हुआ। ये घटना जेल सुरक्षा तंत्र की खामियों को उजागर करती है और इसने जेल प्रशासन को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है।